यूपी के बुलंदशहर में लोगों को कोरोना वायरस के संभावित संक्रमण से बचने के लिए पुलिस ने सोशल डिस्टेंस का नया तरीका खोज निकाला है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानों पर सामान खरीदने पहुंच रहे लोगों को दुकान के बाहर बकायदा सफेद कली से 1 मीटर की दूरी पर गोले बनाए गए हैं और आने वाले ग्राहकों को गोले के अंदर खड़े होकर सामान खरीदने के निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। दरअसल बुलंदशहर के अंसारी रोड चौराहे पर दवा की दुकान पर लॉकडाउन के बाद लगातार लोगों की भीड़ लग रही थी, जिसको देखते हुए सीओ सिटी राघवेंद्र मिश्रा ने दुकान के बाहर सफेद रंग से गोले बना दिए और लोगों को गोले में खड़ा कर सामान खरीदने की हिदायत दी। प्रशासन ने भी सभी थाना प्रभारियों को कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं अधिकांश थाना क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के बाहर इसी तरह के सफेद घेरे बनाए गए हैं। सर, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सर, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हम लोग सारे लोगों को जन जागरूकता के लिए जो भी मिल रहा है उनको ये बताया जा रहा है कि आप अपने घरों में रहिए। अति आवश्यक कार्य जैसे मेडिकल, अस्पताल या अन्य किसी अपने मूलभूत आवश्यकता के लिए ही घर से निकले। एक मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति ही निकले, जैसे मेडिकल के कोई दवा लेने जा रहा है तो एक व्यक्ति ही जाए, दो व्यक्ति उस पर सवार ना हो। इस तरह से जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेडिकल शॉप के सामने मेडिकल दुकानों पर एक सर्किल बनवाया गया है, उस सर्किल के अंदर खड़े होकर के 1 मीटर के डिस्टेंस पर ही उनको दवा दिलवाई जा रही है। ऐसा सबको सचेत भी किया गया है, अनुरोध भी किया गया है और सबसे इसको अनिवार्य रूप से पालन करवाने के लिए हिदायत भी दी गई। यही नहीं, कुछ दुकानदारों ने तो खुद ही सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए दुकानों के बाहर 1 मीटर की दूरी के अंतराल पर सफेद घेरे बना दिए हैं, जिसमें आने वाले ग्राहक खड़े हों और दुकानों पर लगने वाली भीड़ को संभावित कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। ये मेडिकल स्टोर के सामने सर्किल बनाए गए हैं, क्यों बनाए जा रहे हैं सर्किल? सर, कस्टमर के लिए बनाए गए हैं, जिससे ग्राहक आए उसके अंदर खड़ा होकर दवाई ले 1 मीटर दूरी से। अच्छा, कितने मीटर की दूरी पे हैं ये? 1 मीटर की दूरी पे। लोग इसका फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? जी। और क्या क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं इससे बचने के लिए? सर, मास्क लगा रखे हैं, सैनिटाइजर हैं, सर हैंड वॉश हैं। इस आपातकाल में अगर सभी लोग इसी तरह एक दूसरे की मदद करें तो कोरोना के खिलाफ इस जंग में जीत भारत की ही होगी, क्योंकि कोरोना को सोशल डिस्टेंस कायम करके ही कमजोर किया जा सकता है। इसलिए बिना अनावश्यक काम के घरों से बाहर न निकलें, इससे आप अपनी और अपने आस पड़ोस के लोगों की भी जान बचा सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बुलंदशहर से इकबाल सैफी की रिपोर्ट।